ज़िंदगी में हम गलती तब करते हैं ना जब हम कोई प्लानिंग करके उस पर काम कर रहे होते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम यदि क्रिएट हो जाती है वहाँ पर, छोटी सी यदि प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं ना कि उस काम को बंद कर देते हैं। कोई प्लानिंग किया है हमने, उस काम को स्टार्ट भी किया है, बट यदि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो हम उस काम को बंद करने का पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं तो असफल हो जाऊँगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है। यदि बीच में हम छोड़ दिए तो फिर किसी काम का नहीं हुआ। देखिए क्या होता है कि जब हम बड़ा लक्ष्य पाने वाले होते हैं, अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले होते हैं, तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हम, हमें कुछ लेवल्स को पार करते हुए आगे जाना पड़ता है। अब उन लेवल्स में यदि प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो होने दीजिए, उनसे जो है कि सीख कर आगे बढ़िए। प्रॉब्लम यदि मान लीजिए कुछ लेवल पर पहुँचे, उस पर फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उस प्रॉब्लम से हमें निकलने के लिए सोल्यूशन को ढूंढना चाहिए। तो सोल्यूशन से कैसे निकला जाए, सोल्यूशन से निकल के जैसे ही हम उसको कंप्लीट करेंगे तो अगले लेवल पहुँच जाएंगे। इसी तरह से जो है कि जीवन में हर कोई आगे बढ़ता है और हमें भी बढ़ना चाहिए, हमें कभी भी अपने रास्ते नहीं बदलने चाहिए। छोटी प्रॉब्लम क्रिएट होने पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, मेहनत करते हुए चाहिए। जब हम मेहनत करते रहेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो लाइफ में कभी भी हारेंगे नहीं, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।